प्राणों से प्यारे विद्यार्थियों, साथियों, आज हम चर्चा करेंगे प्लेटो का आदर्श राज्य का सिद्धांत, लेक्चर नंबर 34, पार्ट नंबर 1। क्योंकि प्लेटो का आदर्श राज्य के ऊपर हम बेटा 3 लेक्चर अपलोड करेंगे। कारण है क्योंकि एक लेक्चर में प्लेटो का पूरा आदर्श राज्य का सिद्धांत आप अच्छे से नहीं समझ पाएंगे, इसलिए हम इसको 3 टुकड़ों में विभाजित कर समझाएंगे। तो आप नोट करेंगे प्लेटो का आदर्श राज्य लेक्चर नंबर 34, पार्ट नंबर 1। बेटा वास्तव में यदि देखा जाए तो प्लेटो ने जो अपनी रचना रिपब्लिक लिखी थी, रिपब्लिक का हिंदी अर्थ होता है आदर्श नगर राज्य व्यवस्था, तो रिपब्लिक लिखने का मूल जो लक्ष्य उद्देश्य था प्लेटो का, वो था आदर्श राज्य की स्थापना। क्यों? क्योंकि प्लेटो के गुरु सुकरात, जो कि एक महान मनीषी थे, इनको बिना किसी कारण के एथेंस के अंतर्गत, जब सुकरात को मृत्युदंड दिया गया, लोकतंत्रीय शासन प्रणाली थी और लोकतंत्रीय शासन प्रणाली के द्वारा सुकरात को बिना किसी गलती के मृत्युदंड दिया गया था, विषपान कराया गया था। सुकरात ने सिर्फ ये काम किया था कि लोगों से प्रश्न पूछता था, अब प्रश्न पूछता था तो इसके ऊपर लोकतांत्रिक सरकार ने आरोप लगा दिया कि भाई सुकरात युवाओं को जो है भड़का रहा है, यहाँ के धर्म को भ्रष्ट कर रहा है, जबकि सुकरात का ऐसा कोई उद्देश्य नहीं था। सुकरात तो द्वंद्वात्मक पद्धति के माध्यम से सत्य का पता लगा रहा था, लेकिन लोकतंत्रीय शासन प्रणाली की बात पसंद नहीं आई और सुकरात को जो है मृत्युदंड की सजा दी। अब चूँकि सुकरात प्लेटो के गुरु थे और जब सुकरात को मृत्युदंड दिया गया, उस समय प्लेटो सुकरात के चरणों में बैठा हुआ था, तो उस समय ही प्लेटो ने निश्चित कर लिया था कि ऐसी कौन सी शासन प्रणाली हो, ऐसी कौन सी आदर्श राज्य व्यवस्था हो, ऐसी कौन सी राजनीतिक व्यवस्था हो जिसके अंतर्गत सुकरात जैसे महान मनीषी के साथ दोबारा ऐसी घटना ना घटे। और इसके लिए ही इन्होंने अपनी रचना रिपब्लिक लिखी, और रिपब्लिक का मूल लक्ष्य आदर्श राज्य की स्थापना है और आदर्श राज्य का शासक होगा दार्शनिक राजा। ये प्लेटो जो है अपनी रचना रिपब्लिक में स्पष्ट करना चाहते थे। तो मुझे विश्वास है आपको मालूम हो गया होगा कि आदर्श राज्य की स्थापना प्लेटो क्यों करना चाहता था। ठीक है बेटा, चलिए बेटा, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। प्लेटो के आदर्श राज्य को समझें उससे पहले ध्यान देंगे कि प्लेटो के संपूर्ण चिंतन का, बेटा मेरे एक एक शब्द के ऊपर ध्यान देंगे, प्लेटो के संपूर्ण चिंतन का जो केंद्रीय बिंदु है, केंद्रीय विषय है, वो है आदर्श राज्य की स्थापना। ये बात आपको नोट करना है। क्या? कि प्लेटो के, क्या प्लेटो के संपूर्ण चिंतन का केंद्रीय विचार आदर्श राज्य की स्थापना है। मतलब प्लेटो ने जो रिपब्लिक अपनी रचना लिखी थी, इसका जो मूल लक्ष्य है वो आदर्श राज्य की स्थापना है, और आदर्श राज्य में जो शासक होगा वो दार्शनिक, क्या होगा, दार्शनिक राजा होगा। मतलब ज्ञान की संप्रभुता होगी, बुद्धिमान लोगों का शासन होगा, विवेक का शासन होगा। ये जो है प्लेटो स्पष्ट करना चाहते हैं। नेक्स्ट बात बेटा, प्लेटो जिस आदर्श राज्य की स्थापना करना चाहते हैं, उस आदर्श राज्य को अगर हम एक त्रिभुज का रूप देना चाहें, त्रिभुज जिसकी 3 रेखाएं होती हैं, तो जो प्लेटो ने अपना न्याय सिद्धांत दिया है वह प्लेटो के आदर्श राज्य का आधार स्तंभ है। क्या है? आधारशिला है। आधार स्तंभ नहीं, आधार, आधारशिला है, आधारशिला, आधारशिला, आधारशिला। तो क्या है? आदर्श राज्य में न्याय का सिद्धांत, मतलब न्याय का सिद्धांत या जो न्याय है वह प्लेटो के आदर्श राज्य की आधारशिला है। और इसके साथ में शिक्षा सिद्धांत और साम्यवाद का सिद्धांत, ये प्लेटो के आदर्श राज्य के आधार स्तंभ हैं, आधार स्तंभ हैं। शिक्षा और साम्यवाद का सिद्धांत, साम्यवाद का सिद्धांत, ये क्या है? आधार, आधार
स्तंभ है और ये हो गया आपका आदर्श राज्य। तो आप इस त्रिभुज की मदद से इसको अच्छे से समझ सकते हैं। क्या समझे आप इससे कि प्लेटो का जो आदर्श राज्य है उस आदर्श राज्य को हम त्रिभुज के माध्यम से आकृति सिद्धांत के माध्यम से समझ सकते हैं कि वास्तव में देखा जाए तो आदर्श राज्य की जो आधारशिला है वह है प्लेटो का न्याय है, न्याय का सिद्धांत है। और प्लेटो के आदर्श राज्य का जो आधार स्तंभ है वह शिक्षा और साम्यवाद का सिद्धांत है। इसका मतलब प्लेटो के आदर्श राज्य की आधारशिला न्याय है और आधार स्तंभ शिक्षा और साम्यवाद का सिद्धांत है। न्याय का सिद्धांत, शिक्षा का सिद्धांत, साम्यवाद का सिद्धांत, ये तीनों के तीनों सिद्धांत मैं आपको अलग से समझाऊंगा। यहाँ तो हम आदर्श राज्य की पृष्ठभूमि तैयार कर रहे हैं, ठीक है बेटा। चलिए अब जो आज हम प्लेटो के आदर्श राज्य की चर्चा कर रहे हैं इसमें पांच बातें लेंगे, बची हुई जो बातें हैं वो अगले लेक्चर में आपको समझा दी जाएंगी। पहली जो बात लेंगे वो हम प्लेटो के आदर्श राज्य के बारे में ये लेंगे क्या कि आदर्श राज्य में व्यक्ति और राज्य का संबंध, मतलब प्लेटो का जो आदर्श राज्य है जिसकी उन्होंने अपने जो विचार दिए हैं वो अपनी रचना रिपब्लिक में दिए हैं, तो इन्होंने अपने आदर्श राज्य में व्यक्ति और राज्य के संबंध की बात की है। और इनका कहना है, क्या कहना है कि वास्तव में यदि देखा जाए तो राज्य व्यक्ति का ही विराट रूप है। अर्थात प्लेटो कह रहे हैं कि राज्य ओक के वृक्षों से या चट्टानों से नहीं जन्मा है बल्कि यह व्यक्ति के क्या व्यक्ति के चरित्र के आधार पर ही निर्मित संस्था है। इसका मतलब प्लेटो कह रहे हैं कि राज्य व्यक्ति का विराट रूप है। क्या राज्य व्यक्ति का विराट रूप है, राज्य व्यक्ति का विराट रूप है। फिर से बोल रहा हूँ, राज्य व्यक्ति का विराट रूप है। कौन कह रहे हैं ये बात? यस, प्लेटो कह रहे हैं। अब इससे क्या बात स्पष्ट होती है? इससे ये बात स्पष्ट होती है कि वास्तव में यदि चरित्रवान व्यक्ति होंगे तो एक अच्छी राजनीतिक इकाई का निर्माण होगा, और यदि एक राजनीतिक इकाई या राज्य अच्छा होगा तो उसमें अच्छे व्यक्तियों का ही निर्माण होगा। इसलिए व्यक्ति और राज्य एक दूसरे से घनिष्ठ रूप में जुड़े हुए हैं। इसलिए प्लेटो ने कहा कि राज्य व्यक्ति का ही विराट रूप है। इसलिए आप राज्य को समझना चाहते हैं तो प्लेटो कहते हैं कि पहले व्यक्ति को समझो, अब हम व्यक्ति को ही समझाएंगे इसमें। चलिए अब इसकी दूसरी बात बिंदु नंबर दो लेते हैं। क्या प्लेटो के आदर्श राज्य की उत्पत्ति विकास के चरण, मतलब प्लेटो ने जिस आदर्श राज्य की स्थापना की बात की है अपनी रचना रिपब्लिक में, तो इस आदर्श राज्य की उत्पत्ति कैसे हुई है, किन चरणों से हुई है? तो प्लेटो ने आदर्श राज्य की उत्पत्ति के या राज्य की उत्पत्ति के विकास के तीन चरण बताए। तो विकास के चरण में हम तीन चरणों में राज्य का निर्माण होता है। प्लेटो कहते हैं कि तीन चरणों में राज्य का निर्माण होता है, मतलब वास्तविक रूप में राज्य का निर्माण मानव की आवश्यकताओं के परिणाम स्वरूप होता है। प्लेटो कह रहे हैं कि राज्य का निर्माण मानव की आवश्यकताओं के परिणाम स्वरूप होता है। कैसे होता है? प्लेटो कह रहे हैं कि मनुष्य की तीन मूलभूत आवश्यकताएँ होती हैं, उत्पादन, रक्षा और शासन की पूर्ति। और ये जो तीन मूलभूत आवश्यकताएं हैं, उत्पादन, रक्षा और शासन की पूर्ति, ये मानव की तीन मूलभूत आवश्यकताएं हैं। इन तीन मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति तीन गुणों से होती है, क्षुधा, साहस और विवेक से। किससे? क्षुधा, साहस और विवेक से। तो कहने का मतलब यहाँ पर ये हो रहा है कि प्लेटो स्पष्ट रूप में कह रहे हैं कि भाई तीन चरणों में राज्य का निर्माण होता है। कैसे होता है? सबसे पहले प्लेटो कहते हैं कि मानव की पहली मूलभूत आवश्यकता है उत्पादन करना, अपनी क्षुधा पूर्ति के लिए, पेट पूर्ति के लिए उत्पादन करता है मनुष्य। अब उत्पादन करने के बाद में क्या होता है, केवल भोजन से काम नहीं चलेगा बल्कि वस्त्र भी चाहिए, अन्य सांस्कृतिक वस्तुएँ भी चाहिए, अन्य आवश्यकताएँ भी चाहिए, अन्य वस्तुएँ भी चाहिए। तो इनके लिए फिर क्या है कि इनको क्या करना होगा, फिर भूभाग की आवश्यकता पड़ेगी, ज़मीन की आवश्यकता होगी। ज़मीन की आवश्यकता होगी तो इसके लिए सैनिक चाहिए, इसका मतलब फिर रक्षा की आवश्यकता होती है। और उसके बाद में जब रक्षा की आवश्यकता होती है तो ऐसी स्थिति में फिर इस रक्षा और उत्पादन के ऊपर नियंत्रण रखने के लिए शासन भी होना ज़रूरी है। इसलिए फिर जो है शासक वर्ग की उत्पत्ति होती है, मतलब पहले उत्पादक वर्ग की उत्पत्ति होती है,
फिर जो है सैनिक वर्ग की उत्पत्ति होती है, उसके बाद में शासक या दार्शनिक शासक वर्ग की उत्पत्ति होती है। तो क्रम से तीन चरणों से जो है राज्य का निर्माण होता है। पहले चरण में उत्पादक वर्ग का निर्माण होता है, दूसरे चरण में सैनिक वर्ग का निर्माण होता है, तीसरे चरण में दार्शनिक शासक वर्ग का निर्माण होता है। प्लेटो कहते हैं कि राज्य का जो विकास है वो तीन चरणों से होता है। तीसरा बिंदु, अब इसमें ये बात स्पष्ट हो जाएगी। आदर्श राज्य के निर्माण के तीन वर्ग, अब जरा ध्यान दें, प्लेटो आदर्श राज्य के निर्माण के तीन वर्ग बताते हैं। इनका कहना है कि आदर्श राज्य में जो है तीन वर्ग होते हैं। कैसे? सबसे पहले कहते हैं कि व्यक्ति या मानव के आत्मा के तीन तत्व, तीन गुण होते हैं, विवेक, साहस, तृष्णा। बेटा इसको समझना है, ये बात आप समझ जाएंगे, प्लेटो की ज़्यादातर बात समझ जाएंगे। प्लेटो ने व्यक्ति की आत्मा के, मानव की आत्मा के तीन तत्व या गुण बताए हैं, विवेक, साहस, तृष्णा। विवेक संकेत देख में रखा है, विवेक, साहस, बाजू, साहस, तृष्णा, क्षुधा या भू, उधर की तरफ संकेत है। मानव आत्मा के तीन तत्व हो गए, विवेक, साहस और तृष्णा। अब समाज में जितने भी विवेकवान व्यक्ति होते हैं, ज्ञानी लोग होते हैं, उनसे मिलकर के एक वर्ग का निर्माण होता है जिसको कहते हैं दार्शनिक शासक वर्ग। दार्शनिक शासक वर्ग, समाज में जितने भी साहसी होते हैं उनसे मिलकर के एक वर्ग का निर्माण होता है जिसको कहते हैं सैनिक वर्ग। समाज में जितने भी तृष्णा, क्षुधा या भूख से संबंधित लोग होते हैं उनसे एक वर्ग का निर्माण होता है जिसको उत्पादक वर्ग की संज्ञा दी जाती है, उत्पादक वर्ग। इसका मतलब ये हो गया कि मानव आत्मा के तीन तत्व हो गए, विवेक, साहस और तृष्णा, और विवेक से दार्शनिक शासक वर्ग का निर्माण होता है, साहस से सैनिक वर्ग का, और तृष्णा से उत्पादक वर्ग का निर्माण होता है। इसलिए प्लेटो ने कहा है कि राज्य व्यक्ति का विराट रूप है, राज्य व्यक्ति का विराट रूप है, राज्य व्यक्ति का ही विराट रूप है। क्योंकि जैसे मानव आत्मा में तीन तत्व होते हैं वैसे ही समाज में, राज्य में तीन वर्ग होते हैं, समाज में या राज्य में तीन वर्ग होते हैं। अब मैं यहाँ समाज ही बोल रहा हूँ, राज्य ही बोल रहा हूँ, इसका मतलब ये है कि प्लेटो के समय में समाज और राज्य का पर्यायवाची रूप में इस्तेमाल किया जाता था, इन दोनों को जो है अलग नहीं माना जाता था, ये दोनों के दोनों जो है एक दूसरे के पर्यायवाची थे। तीन बिंदु, चौथा राज्य के आधारशिला न्याय है, और पांचवा बिंदु है आदर्श राज्य के आधार स्तंभ शिक्षा और साम्यवाद। ध्यान दें, प्लेटो जो है राज्य की आधारशिला न्याय को मानता है। किसके अंतर्गत? प्लेटो का कहना है, क्या कहना है कि मानव आत्मा के तीन तत्व होते हैं, विवेक, साहस और तृष्णा। तो प्रत्येक व्यक्ति अपने स्वभाव के अनुरूप अपना अपना काम करता है तो वह व्यक्ति न्यायी होता है, और तीनों वर्ग अपने अपनी प्रकृति के अनुसार अपना अपना काम करते हैं तो तीनों वर्ग न्यायी होंगे। तीनों वर्ग न्यायी होंगे तो राज्य भी न्यायी होगा। क्या मतलब? जैसे मान लीजिएगा मेरा काम पढ़ाना है तो मैं विवेक से संबंधित हूँ। अब मैं विवेक से संबंधित अपना काम ईमानदारी से कर रहा हूँ, और समाज में जितने भी विवेकवान बुद्धिमान लोग हैं सब अपना काम ईमानदारी से कर रहे थे, इसका मतलब दार्शनिक शासक वर्ग ईमानदारी से अपना काम कर रहा है। इसी प्रकार से किसी के अंतर्गत साहस ज़्यादा है, साहस ज़्यादा है, तो ऐसी स्थिति में अगर ईमानदारी से साहस से संबंधित काम वो कर रहे हैं तो ऐसी स्थिति में उनसे जो वर्ग का निर्माण होता है सैनिक वर्ग का, मतलब अपने देश की सीमाओं की रक्षा ईमानदारी से कर रहे हैं। तृष्णा उत्पादक वर्ग की तरफ संकेत, तृष्णा। अब मान लीजिएगा मैं उत्पादन संबंधित काम करता हूँ, मैं ईमानदारी से काम कर रहा हूँ, उसमें मिलावट नहीं करता हूँ, तो इसका मतलब ऐसे लोगों से मिलकर के जिस उत्पादक वर्ग का निर्माण होता है वो सारे के सारे जो ईमानदारी से जो है उत्पादन का कार्य करेंगे, किसी वस्तु में मिलावट नहीं करेंगे। अब ये तीनों वर्ग ईमानदारी से अपना अपना काम करते हैं तो ऐसा राज्य न्यायी राज्य होगा। और एक व्यक्ति व्यक्तिगत स्तर पर जिसमें उसकी जो योग्यता या क्षमता है, किसी में बुद्धि है, किसी में साहस है, किसी में तृष्णा है, अगर एक व्यक्ति व्यक्तिगत स्तर पर अपने स्वभाव के अनुसार अपना काम करता है, मान लीजिएगा किसी में विवेक ज़्यादा है तो अपना बुद्धि संबंधित काम करे, साहस ज़्यादा है तो रक्षा संबंधित काम करे, तृष्णा ज़्यादा है तो उत्पादन संबंधित काम करे। एक व्यक्ति व्यक्तिगत स्तर पर यदि अपने स्वभाव के अनुसार कार्य करता है तो ये व्यक्ति न्यायी है, और ये वर्ग अपनी प्रकृति के अनुसार अपना अपना काम करते हैं तो ऐसी स्थिति में वह राज्य या समाज न्यायी होगा। तो इस आधार पर प्लेटो ने न्याय के दो प्रकार बताए हैं, व्यक्तिगत न्याय और सामाजिक या राजनीतिक न्याय। सामाजिक और राजनीतिक न्याय को उस समय एक माना जाता था, क्योंकि राज्य और समाज में प्लेटो के समय में अंतर नहीं माना जाता था। ठीक है बेटा, तो राज्य के आधारशिला न्याय होगी। पांचवा बिंदु है आदर्श राज्य के आधार स्तंभ शिक्षा और साम्यवाद। प्लेटो ने आदर्श राज्य का जो आधार स्तंभ माना है वो शिक्षा और साम्यवाद को माना है। प्लेटो ने कहा है
कि वास्तविक रूप में देखा जाए तो शिक्षा राज्य के द्वारा दी जाएगी और जो शिक्षा दी जाएगी उसके अंतर्गत स्त्री और पुरुष में किस प्रकार का कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। संपूर्ण शिक्षा प्राप्त करने के बाद में जैसे 35 वर्ष तक सैद्धांतिक शिक्षा दी जाएगी, 15 वर्ष तक व्यवहारिक शिक्षा दी जाएगी, 50 वर्ष की शिक्षा लेने के बाद में जो है दार्शनिक राजा का निर्माण किया जाएगा। इसी के साथ में शिक्षा के अंतर्गत संगीत और व्यायाम की व्यवस्था भी जो है प्लेटो ने की है, ठीक है। बाकी शिक्षा सिद्धांत मैं अलग से अपलोड करूँगा और वैसे मैंने शिक्षा सिद्धांत अपलोड कर भी दिया है। दूसरा है साम्यवाद। प्लेटो ने आदर्श राज्य का आधार स्तंभ साम्यवाद को माना है, साम्यवाद के सिद्धांतों को माना है। साम्यवाद का क्या मतलब है? साम्यवाद का मतलब ये है, समझें अब इसको, कि प्लेटो ने कहा है कि भाई तीन वर्ग होते हैं। पहला होता है उत्पादक वर्ग, सैनिक वर्ग इसको ऐसे लिख लेंगे अपन, दार्शनिक शासक वर्ग, दार्शनिक शासक वर्ग उत्पादक। अब इसको समझिए, मतलब प्लेटो ने जैसे कहा है कि भाई मानव आत्मा के तीन तत्व होते हैं, विवेक, साहस और तृष्णा। तीन तत्वों के आधार पर तीन वर्ग बनते हैं, दार्शनिक शासक वर्ग, सैनिक वर्ग, उत्पादक वर्ग। मैंने यहाँ लिख दिया दार्शनिक शासक वर्ग, सैनिक वर्ग, उत्पादक वर्ग। तो प्लेटो का कहना है कि जो आदर्श राज्य है उस आदर्श राज्य के अंतर्गत साम्यवाद के सिद्धांत को लागू किया जाएगा। साम्यवाद के सिद्धांत का मतलब ये है कि जो दार्शनिक शासक वर्ग और सैनिक वर्ग है ये वास्तविक रूप में देखा जाए तो शासन की योग्यता इनमें है। जैसे सैनिक वर्ग में साहस ज़्यादा है लेकिन इसमें विवेक भी है, परंतु दार्शनिक शासक के अंतर्गत जो है विवेक की मात्रा ज़्यादा होगी। अब प्लेटो को डर है कि दार्शनिक शासक वर्ग और सैनिक वर्ग को जो शिक्षा दी है, जो शिक्षा दी गई है, उस शिक्षा का समाज में रहते हुए कहीं दुष्प्रभाव ना पड़ जाए, तो इससे बचाव कैसे हो। इसके लिए प्लेटो ने कहा है कि व्यक्ति का पतन मुख्यतः दो कारणों से होता है, संपत्ति और परिवार से। इसलिए प्लेटो ने कह दिया कि दार्शनिक शासक वर्ग और सैनिक वर्ग को परिवार और संपत्ति से दूर रखा जाए, मतलब कंचन और कामनी से दूर रखा जाए। कंचन मतलब सोना, सोना मतलब संपत्ति, कामनी मतलब महिला, महिला मतलब परिवार। अर्थात प्लेटो ने महिलाओं का साम्यवाद और संपत्ति का साम्यवाद इन दोनों के ऊपर लागू किया है और कहा है कि दार्शनिक शासक वर्ग और सैनिक वर्ग स्थायी रूप में विवाह नहीं करेंगे, संपत्ति भी नहीं रखेंगे और ये दोनों के दोनों वर्ग सोना चांदी को हाथ तक भी नहीं लगाएंगे। इसके बाद में जो उत्पादक वर्ग है, उत्पादक वर्ग स्थायी रूप में विवाह भी करेगा, संपत्ति भी रखेगा, सोना चांदी भी रखेगा, लेकिन शर्त ये कि उत्पादक वर्ग जो है दार्शनिक शासक वर्ग और सैनिक वर्ग के कार्यों में हस्तक्षेप नहीं करेगा। उत्पादक वर्ग केवल उत्पादन से संबंधित कार्य करेगा, परिवार रखेगा, स्थायी रूप में विवाह करेगा, संपत्ति रखेगा, सोना चांदी भी रखेगा, लेकिन दार्शनिक शासक वर्ग और सैनिक वर्ग के पास किसी भी रूप में संपत्ति भी नहीं होगी और स्थायी रूप में विवाह भी नहीं करेंगे। इसलिए यहाँ हम कह सकते हैं कि प्लेटो ने जब अपने आदर्श राज्य का आधार स्तंभ साम्यवाद को माना है, साम्यवाद का सिद्धांत दिया है, तो साम्यवाद का सिद्धांत केवल दो वर्गों पर लागू होगा, दार्शनिक शासक वर्ग और सैनिक वर्ग पर लागू होगा, उत्पादक वर्ग पर लागू नहीं होगा। दार्शनिक शासक वर्ग और सैनिक वर्ग को इन्होंने एक नाम दिया है, अभिभावक वर्ग या संरक्षक वर्ग। इन दोनों वर्गों को एक नाम दिया है, अभिभावक वर्ग या संरक्षक वर्ग। ये कई बार कमीशन पूछ लिया जाता है कि प्लेटो के संरक्षक वर्ग में कौन कौन सम्मिलित होता है, तो आपका उत्तर होगा दार्शनिक शासक वर्ग और सैनिक वर्ग। यह आपसे ऐसे पूछा जा सकता है प्लेटो के संरक्षक वर्ग में कौन कौन से वर्ग आते हैं, तो आपका उत्तर होगा दार्शनिक शासक वर्ग और सैनिक वर्ग। मतलब प्लेटो का जो साम्यवाद है, प्लेटो का जो साम्यवाद का सिद्धांत है, साम्यवाद का सिद्धांत है, साम्यवाद का सिद्धांत केवल इन दो वर्गों पर लागू होगा, मतलब दार्शनिक शासक वर्ग और सैनिक वर्ग पर लागू होगा, उत्पादक वर्ग पर साम्यवाद का सिद्धांत लागू नहीं होगा। मतलब उत्पादक वर्ग स्थायी रूप में विवाह भी करेगा, संपत्ति भी रखेगा, जबकि दार्शनिक शासक वर्ग और सैनिक वर्ग स्थायी रूप में विवाह भी नहीं कर सकता और जो है संपत्ति भी नहीं रख सकता, मतलब कंचन और कामिनी से इनको दूर रखा जाएगा। क्योंकि प्लेटो का मूल लक्ष्य ये था कि दार्शनिक शासक वर्ग और सैनिक वर्ग किसी भी रूप में माया मोह में, ममता मोह में ना फंसे, समाज के अंतर्गत जो आकर्षण करने वाली वस्तुएं उन आकर्षण से
इनको दूर किया जाए, क्योंकि अगर ये परिवार के मोह में फंसेंगे तो ये जो है घोटाले करेंगे, भ्रष्टाचारी बनेंगे। जैसा कि आज के राजनेताओं को हम देख सकते हैं कि अपने परिवार के लिए बड़े बड़े घोटाले करते हैं, चारा घोटाला, दूध का घोटाला, कोयला घोटाला, ना जाने क्या क्या घोटाला करते हैं। तो किसके लिए करते हैं? परिवार के लिए करते हैं। इसलिए प्लेटो ने कहा कि इनका अपना कोई परिवार नहीं होगा, बीवी बच्चे नहीं होंगी, बीवी बच्चे नहीं होंगी तो संपत्ति की जरूरत नहीं होगी, संपत्ति की जरूरत नहीं होगी तो घोटाले करने की आवश्यकता ही नहीं होगी इनको। किस लिए घोटाले करेंगे, किसके लिए रिश्वत लेनी है? इनका तो एक काम होगा, दोनों का दार्शनिक शासकों को सैनिकों रखा, देश की सेवा करना, देश की रक्षा करना, देश की सेवा करना, देश की रक्षा करना। मैं पुनः कह रहा हूँ, इन दोनों वर्गों को प्लेटो ने एक नाम दिया है जिसे जो है संरक्षक वर्ग या अभिभावक वर्ग की संज्ञा दी जाती है, अभिभावक वर्ग। इसको अभिभावक वर्ग और संरक्षक वर्ग कहा जाता है। किसको? दार्शनिक शासक वर्ग और सैनिक वर्ग को। तो प्लेटो का जो आदर्श राज्य के संबंध में आज हमने केवल 5 बातें बताई हैं। ये 5 बातें आप समझ जाएंगे, उसके बाद में प्लेटो के आदर्श राज्य के बारे में आगे जो बातें शेष हैं वो आपको बता दी जाएगी। लेकिन इतना समझने के बाद में ये तो तय है कि 70% बातें स्पष्ट हो जाती है। तो मुझे विश्वास है आज आप प्लेटो का जो आदर्श राज्य है, लेक्चर नंबर 34 पार्ट नंबर 1, इसके अंतर्गत मैंने 5 बिंदुओं के माध्यम से जो बातें बताई हैं वो आप अच्छे से समझ गए होंगे। और अंत में मैं इतना ज़रूर कहना चाहूँगा कि प्लेटो जिस आदर्श राज्य की बात कर रहे हैं वह आदर्श एक पूर्ण मॉडल है, एक ऐसा आदर्श राज्य जिसमें कोई कमियाँ नहीं है। हालांकि प्लेटो ने स्वयं ने कहा है कि ऐसा आदर्श राज्य यथार्थ में कहीं पर भी स्थापित नहीं किया जा सकता। क्या? ऐसा आदर्श राज्य यथार्थ में कहीं पर भी स्थापित नहीं किया जा सकता। केवल ऐसा आदर्श राज्य विचारों में ही निर्मित किया जा सकता है, यथार्थ के धरातल पर निर्मित नहीं किया जा सकता। इसका मतलब प्लेटो को ये विश्वास था कि ऐसा आदर्श राज्य इस धरा पर स्थापित नहीं किया जा सकता। लेकिन हम तो ये कहेंगे कि वो आदर्श ही क्या है जिसकी मानव जाति प्राप्त कर ले। इसलिए प्लेटो ने तो उस आदर्श राज्य की बात की है जिसकी स्थापना ये मानव जाति कभी कर ही नहीं सकती। हाँ, यहाँ तक पहुँचने का प्रयास लगातार करती रहेगी लेकिन यहाँ तक पहुँच नहीं सकते हैं, कभी नहीं पहुँच सकते, क्योंकि वो आदर्श नहीं जिसकी स्थापना ये मानव जाति कर ली। इसलिए प्लेटो के आदर्श राज्य की स्थापना मानव जाति कभी कर भी नहीं सकती। प्लेटो ने अपने रचना रिपब्लिक में जिस आदर्श राज्य की स्थापना की बात की, उस आदर्श राज्य को स्थापित ये मानव जाति कभी नहीं कर सकती। लेकिन यथार्थ राज्यों में जो कमियां हैं उन कमियों को धीरे धीरे प्लेटो के आदर्श राज्य के माध्यम से कम तो किया जा सकता है। बस यही प्लेटो का योगदान है, यही प्लेटो का अनुदान है, यही प्लेटो की सार्थकता है, यही प्लेटो का औचित्य है। इसलिए हम प्लेटो का अध्ययन करते हैं। ठीक है बेटा, तो प्लेटो के आदर्श राज्य की कुछ बातें मैंने आपको समझा दी, बाकी जो बची हुई बातें हैं आपको कल बता दी जाएंगी। यस बेटा, ओके, थैंक यू वेरी मच।